अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी और आज हम इसमें नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे, उसके एमसीक्यूज देखेंगे और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखने से समझें। तो अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। जी, रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमने चूज करना है इसमें। फर्स्ट टाइप, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है। ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन, देन नीचे उसने कुछ ऑप्शन दिए हैं लॉग की फॉर्म में। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब हम इसका लॉग लें तब भी ये पावर्स इंटरचेंज होंगे इसके साथ, और जब लॉग रिमूव करेंगे तब भी इंटरचेंज होंगे। तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ए रेज टू पावर एन जो है वो एक्स की जगह पे आ जाएगा, और एक्स जो है वो एन की जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, या ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू लॉग ए रेज टू पावर एन, ऐसे लिखते हैं। ये है हमारे पास ऑप्शन, और इसमें जो राइट ऑप्शन होगा लॉग ए रेज टू पावर एन इक्वल टू एक्स, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास सेकंड। सेकंड क्या है? सेकेंड एमसीक्यूज है y इज इक्वल टू log z रेज टू पावर x। अब इसमें हमने अब log रिमूव करना है। पहले हमने log अप्लाई किया था, अब log रिमूव करेंगे। इसको थोड़ा सा अगर आप इस तरह लिख लें तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। log z रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। अब अगर इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा देखेंगे ज़रा। अब log रिमूव करना है तो इन्होंने फिर इंटरचेंज होना है, तो ये जाएगा हमारे पास z रेज टू पावर y इक्वल टू x। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब देखेंगे ज़रा क्या बनेगा हमारे पास राइट ऑप्शन। ये z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x, b जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इसका। ये एमसीक्यूज नंबर 2 हो गया। अब एमसीक्यूज नंबर 3 है, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। एक बात याद रखनी है, आपके पास बेस जो मर्जी हो जाए, लॉग ए रेज टू पावर 1 है तो हमेशा यूनिटी का जो लॉग होता है वो हमारे पास 0 होगा। बेस जो मर्जी हो जाए, ए बी सी एक्स वाई जी जो मर्जी बेस ले ले, अगर यूनिटी ए के आपके पास तो उसका लॉग हमेशा हमारे पास 0 होगा। और ये जो राइट ऑप्शन है ये हमारे पास ए है। ये हमने 3 एमसीक्यूज कर लिए इसमें। अब नेक्स्ट क्या होगा, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्सेल्फ। किसी भी नंबर का अपने साथ लॉग जो है, जैसे आप इसमें एक लॉग लें, लॉग मैं बेस एन लेता हूँ और इसकी पावर भी एन लेता हूँ। अब ये देखिए दोनों सेम हो चुके हैं, जब सेम होंगे तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। बेस और पावर अगर सेम होंगी तो इसका हमारे पास लॉग जो है वो 1 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये हमारे पास, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। और ये जो है इसमें एमसीक्यूज नंबर 3 जो अभी हमने देखा था, इसमें जो राइट ऑप्शन है ये हमारे पास ए नहीं है, ये हमारे पास डी राइट ऑप्शन है। इसको डी करेंगे, 0 जो है वो हमारे पास आंसर होगा इसमें। ये एमसीक्यूज नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 था। अब 5 देखें, 5 में है लॉग ई। उसने कहा लॉग ई क्या होगा, और ई की वैल्यू उसने हमें दी है, ई उसने दिया 2.7318।
अब इसको अप्लाई करेंगे इसमें लॉग 2.7318। अब चूँकि हम एम सी क्यू सॉल्व करें तो एम सी क्यूज में आप कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो जो आप फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास आएगी 0.4343, ये इसका आंसर आएगा। वैसे आपने चेक करना हो करेक्टिस्टिक्स इसकी ज़ीरो है, आप 73 को 1 में देखें डिफरेंस 8 में देखें तो आपके पास यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एम सी क्यूज नंबर 5, इसमें राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी होगा, ये बी इसका राइट ऑप्शन होगा जी। एम सी क्यूज 5 हो गए हमारे पास, नेक्स्ट एम सी क्यू 6 है। अब लॉग रूल जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। लॉग रूल क्या है? द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू, लॉग पी ओवर क्यू। अब दो नंबर जब डिवाइड हो रहे हैं, जब दो नंबर डिवाइड होंगे तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा, जब इंडिविजुअल लॉग लिखेंगे लॉग पी माइनस लॉग क्यू हो जाएगा, ये इस तरह आप इसे लिखेंगे। ये हमारे पास जो है 6 एम सी क्यूज, और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। अभी एम सी क्यू 6 हो गया, उसके बाद एम सी क्यूज नंबर 7 है। एम सी क्यू 7 क्या होगा? 7 है लॉग पी माइनस लॉग क्यू। अब दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो बिल्कुल ऊपर की तरह क्या कर देंगे आप, इसे डिवाइड कर देंगे पी को क्यू के नीचे, यानी पी ओवर क्यू कर देंगे। तो ये जगह लॉग, ये जो पहले पी है इसको ऊपर लें, ओवर में हमारे पास क्यू आ जाएगा, लॉग पी ओवर क्यू, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। और राइट ऑप्शन जो है ये बनेगा हमारे पास डी, डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यूज नंबर 8 है। एम सी क्यूज 8 में वो थर्ड रूल जो है लॉग का वो अप्लाई करवा रहे हैं। ये है हमारे पास लॉग एम रेज टू पावर एन, इस तरह लिखा है। तो लॉग का थर्ड रूल हमारे पास क्या है, ये अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में लॉग के रूल जो है वो हमने प्रूव करने। तो इसमें क्या होगा, ये एन चाहिए पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एन लॉग एन, ये इस तरह जो है हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, एन लॉग एम। सी इज़ द राइट ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन सी होगा। जी एम सी क्यूज 9 देखें। एम सी क्यूज 9 है हमारे पास लॉग बी रेस टू पावर ए मल्टीप्लाई लॉग सी रेस टू पावर बी कैन बी रिटर्न एज, इसको किस तरह लिख सकते हैं ये ज़रा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 4 रूल है, इसमें क्या होगा, ऊपर जो ए है उसको लॉग ए अलग कर दें, ओवर में लॉग बी सेपरेट कर दें, इस तरह के हमने क्वेश्चन भी किए हैं। इधर हो जाएगा हमारे पास लॉग बी ओवर लॉग सी। अब ये लॉग बी इस लॉग बी से कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास, ऊपर लॉग ए रहेगा ओवर में लॉग सी रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको अब सिंगल लॉग में लेके आएंगे, अकॉर्डिंग टू 4th रूल ही चलेगा। अब लॉग सी नीचे रहेगा क्योंकि ओवर में है, और ऊपर ए आ जाएगा, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी राइट आंसर है इसमें क्या बनेगा, लॉग सी नीचे ए ऊपर, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ये बी इसका ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 10। 10 क्या होगा, इसमें 10 है लॉग वाई एक्स विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, लॉग ओवर यानी बेस में वाई है पावर में एक्स है, इस तरह। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है, पहले तो हम इसको चेंज करें लॉग एक्स ओवर वाई में, लॉग एक्स ओवर लॉग वाई में। अब इसकी बेस हम जो मर्जी रखते हैं ऊपर नीचे, इस पे आपके लॉग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब यहाँ जो उसने बेस लिया है वो हमारे पास जी उसने ली हुई है, यानी अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं लॉग जी रेस टू पावर एक्स ओवर लॉग जी रेस टू पावर वाई, तो इससे हमारे यानी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जैसे आम रूल होते हैं। तो ये राइट ऑप्शन जो है इसमें वो हमारे पास सी होगा, इसमें सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमने 10 MCQs कर लें, उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं आएगा, इनको करेंगे समझेंगे क्योंकि मोस्टली आपके MCQs यही होंगे या इससे मिलते जुलते होंगे, कॉन्सेप्ट यही होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एहतियातन इसका MCQs यानी नेक्स्ट पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी देख लें अगर देखना है तो। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ मैं कर दूंगा कुछ फिर इसमें आप एफर्ट कर लेंगे, तो ये आज इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10। हमेशा याद रखना कॉमन लॉगरिथम में जो बेस है वो हमारे पास 10 होगी, ए में हमारे पास 10 आ जाएगी, ये फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या होगा, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज, इंटेग्रल पार्ट जो है उसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये सेकंड ब्लैंक्स जो है इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। थर्ड है द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, उसे हम मेंटीसा बोलते हैं, ये थर्ड में हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। फोर है इफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, अगर एक्स हमारे पास लॉग वाई के इक्वल है देन वाई इज कॉल्ड, वाई जो है वाई को आप क्या कहेंगे, जिसमें जो है हमारे पास वाई जो है वो एक्स का क्या कहलाएगा ये पूछा गया, तो वाई जो है एक्स का एंटी लॉगरिथम, क्योंकि लॉग को रिमूव करने के लिए आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉगरिथम जो है वो हमारे पास ब्लैंक में आ जाएगा। उसके बाद फाइव है हमारे पास, फाइव देखेंगे इफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 माइनस में, 2 के ऊपर माइनस का साइन है, दैट नंबर विल हैव डैश 0। एक पॉइंट याद रखना इसमें, अगर करेक्टरिस्टिक्स माइनस 2 होगा तो जीरोज़ जो हैं वो 1 होंगी, डेसिमल पार्ट के बाद यानी 1 0 हो गया हमारे पास, 1 0 होगा। और अगर डेसिमल जैसे ये हमारे पास से माइनस 2 की बजाय -4 हो जाए तो हमारे पास पॉइंट से पहले जो वो यानी पॉइंट के बाद 3 0 जो हैं वो होंगी, ये इस तरह आपने यानी एक पॉइंट कम रखना है, इस तरह आपके पास नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। सिक्स है हमारे पास इफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर इज 1 दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। अब ये देखें ये सादा सा पार्ट है 23.45 है, इसकी जब करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हमारे पास 0.1 टाइम बैग जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स 1 होगी, अगर करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो डेसिमल पार्ट यानी होल नंबर में हमारे पास ये इंटेग्रल पार्ट जब वो 2 होंगे, तो इसमें हमारे पास 6 में क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 में यानी 6 MCQs। ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स इसकी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ सकता है, क्वेश्चन क्वेश्चन 3 देखेंगे, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पार्ट 1 है हमारे पास लॉग 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5, कैसे फाइंड करना इजी है, लॉग रिमूव करें, ये एक्सरसाइज 3.2 में भी किया हुआ है, तो पावर्स को इंटरचेंज कर दें, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू x, ये जाएगा 3 इंटू 3, इसको आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से x की वैल्यू 3927, उसके बाद ये 81 81 3 जा आई थिंक 243 होगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, इसका पार्ट 2 है लॉग 4 रेज टू पावर 256 इज इक्वल टू एक्स,
अब इसमें लॉग रिमूव करेंगे तो 4 raised to power x इज इक्वल टू 256। अब इधर हमारे पास बेस 4 है, 256 को भी हम 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे ज़रा। ये हो जाएगा 256 को 4 से, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24, फिर 4 4 16 एंड 4 1 4, ये आ जाएगा 4 raised to power x इज इक्वल टू 4 raised to power 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, यानी अगर बेसिस सेम होंगे तो उनकी पावर्स भी आपस में सेम होंगी। ये रूल आपने माइंड में रखना है, इफ़ द बेसिस आर इक्वल देन देयर पावर विल ऑल्सो भी इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3, पार्ट 3। अभी हम उसको देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट 3 है, पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 है लॉग 625 होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1/4 x के। अब इसे हम ज़रा सॉल्व करेंगे, देखेंगे ज़रा। लॉग को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 625 होल रेज टू पावर x बाय 4 इज इक्वल टू 5 के। अब हमारे पास यहाँ 5 है, इसको भी आप 5 के मल्टीपल में चेंज करें तो ये हो जाएगा 625 को 5 से करें डिवाइड, 5 1 5, 1 रिमाइंडर 12, 5 2 12, 5 5 25, फिर 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 raised to power 4 होल रेज टू पावर एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 5। अब ये 4 इज 4 से कैंसिल, 5 raised to power x इज इक्वल टू 5 raised to power 1, जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है। अब यहाँ हमारे पास बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी सेम हो जाएंगी, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 3। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 है लॉग 64 होल रेज टू पर एक्स इज इक्वल टू -2/3। अब ये क्या होगा, 64 को ज़रा सॉल्व करेंगे, नहीं इसको नहीं, अभी हम लॉग को पहले रिमूव करेंगे। ये जगह 64 होल रेज टू पर -2/3 इज इक्वल टू एक्स के। अभी से हमने सॉल्व करना है, 64 को हम चेंज करेंगे, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8, 2 4, उसके बाद फिर 2 2 एंड 2 1। अब इसको 3 के मल्टी या इसको ऐसे लिख लें, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2 raised to power 6 होल रेज टू पावर -2/3 इज इक्वल टू एक्स की। अब इसको सॉल्व करें, 3 1 3, 3 2 6, 2 raised to power 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के ओवर में लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 raised to power 4 इज इक्वल टू एक्स की। अब 2 raised to power 4 क्या बनेगा, ये हमारे पास 16 होगा, तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा। ये थे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इनको करेंगे, देखेंगे, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, इनको देखें, करें, बार बार समझें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखें, समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।